हेलो फ्रेंड्स, एससी एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आपको पहले टेंसेस के बारे में बताया था कि टेंस क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। उस दिन हमने किया था कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को हमने डिटेल में किया था। आज मैं आपको प्रेजेंट की सेकंड फॉर्म प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ अ वे टू कन्वे एनी एक्शन और कंडीशन दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ फ्रीक्वेंटली एंड मे बी ऑन गोइंग। मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि हम कोई भी काम जो आज के टाइम में हम कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी हमारा वो काम चलता रहेगा, मीन्स कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी काम में, वो क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल क्या होता है वो मैं आपको विद एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, इसमें हम जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है, आई एम ईटिंग माय लंच। इसमें क्या है कि आई के साथ क्या यूज़ किया है, एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ किया है, जैसे ईटिंग, ईट प्लस आई एन जी। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इस एम आर वर्ब्स यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और प्लस इसके साथ क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ये इसका रूल होता है। तो नेक्स्ट मैंने आपको इसी में और भी एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे शी इज़ कुकिंग इन द किचन, दे आर स्टेइंग इन लंडन फॉर अ फ्यू डेज, और आई एम गोइंग हाइकिंग टुमारो। इसमें क्या है कि जैसे इज़, एम, आर थ्री वर्ब्स हैं हमारे पास, तो इसमें क्या होता है कि जब हम आई यूज़ करते हैं तो आई के साथ हमेशा हम एम यूज़ करते हैं, और जो इज़ यूज़ होता है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, और जो आर यूज़ होता है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे एग्जांपल में शी फर्स्ट में क्या दे रखा है, शी इज़ कुकिंग, मीन्स क्या है कि शी सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या यूज़ किया हमने, इज़। और इसमें सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ही आएगी, जैसे कुक हमारी फर्स्ट फॉर्म है और साथ में प्लस आई एन जी है। इसी तरह दे क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हमने आर यूज़ किया है, और आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, आगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में नेगेटिव की एग्जाम्पल दे रही हूँ। नेगेटिव में हम इसमें बस इतना आएगा कि नॉट ऐड कर देंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल दी हुई हैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वी आर नॉट मीटिंग इन द रूम, दे आर नॉट वॉचिंग बेसबॉल, ही इज़ नॉट रनिंग टू द यार्ड, शी इज़ नॉट कैरिंग अ मैप, इट इज़ नॉट रेनिंग, इट इज़न्ट रेनिंग। इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको आई, प्लूरल और सिंगुलर के बारे में तो बताया था, इसमें सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू के साथ आर है, वैसे तो यू को हम सिंगुलर ही मानते हैं, पर उसमें क्या होता है कि उसमें भी प्लूरल वाली चीज़ जो आर है वो ही यूज़ होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या आ जाता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है, जो हमारी वर्ब है, मतलब क्या है कि जो हम इज़ आमर यूज़ करते हैं वो इसमें क्या हो जाता है कि फ्रंट में आ जाता है, जो मेन वर्ब है वो क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद में आती है। जैसे कि फर्स्ट में दिखाया हुआ है एम आई, आई मतलब है आई के साथ एम बताया तो फर्स्ट एम आएगा, फिर आई रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब है उस फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आई एन जी यूज़ होगा। इसी तरह नेक्स्ट ही शी है, उसके साथ इज़ है क्योंकि वो सिंगुलर है, और यू वी दे उसके साथ क्या है, आर यूज़ किया हुआ है, वी दे प्लूरल है, और यू के साथ मैंने आपको बता ही दिया कि हम आर यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म वाला। तो ये सब क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।